अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम पालक आलू बना रहे हैं। उसके लिए हमने 4 से 5 पालक के कट्टे लिए हैं। पालक की भाजी के कट्टों को अच्छे से धोकर कटे हुए पालक की भाजी में पानी डालकर 1 स्पून नमक डालें। नमक डाले बाद 4 पानी से वॉश करें। वॉश करे बाद एक छन्नी में, बड़ी वाली छन्नी में डालकर पानी निथरने के लिए रख दीजिए। पालक की भाजी बनाने के लिए हमने लिए है 3 आलू, उसको अच्छे से कट कर लिए, 2 प्याज उसे भी कट कर लिए, और हमने हरा मसाले में 4 से 5 हरी मिर्च लिए है और थोड़ी सी कोथमीर ली है, और मसाले में हमने लिए 1/2 चम्मच हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्ची और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक। आप नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने कुकर रख दिया। गर्म होने के बाद 4 टीस्पून तेल डालें। हाफ टी स्पून जीरा डालें और उसके बाद कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ी सी कोथमीर। ऐसा लाल हुए तक प्याज को तल लें। उसके बाद अदरक लहसुन 1 टीस्पून डालकर अच्छे से मिक्स करें। अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाने के बाद नमक 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दें। सिम पे कर आलू डालें। आलू डाल के अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करें उसके बाद कट करें सो पालक की भाजी डालें। पालक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पालक खुद ही उसका पानी छोड़ती है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पालक भुन जाने के बाद खुद ब खुद ही पानी आ जाता है, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यही पानी से आप सीटी लगा सकते, फुल फ्लेम पे 3 या 4 सीटी लगाएं और सिम पे 2 सीटी लगाएं।
सिम पे 2 सीटी होने के बाद हमने कुकर निकाल लिया है, कुकर का ढक्कन निकाल लिया है। अब हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमारी डिश सर्व करने के लिए तैयार है। ये हमारी डिश पालक की भाजी आलू के साथ रेडी है। ये आप फुलके के साथ, पराठे के साथ, ज्वारी की रोटी के साथ और प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनी है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।